इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सैमसंग के फ़ोन्स में जो हमारी कॉल सेटिंग्स रहती है उसके अंदर हमें मिलता है कॉल रिलेटेड पॉपअप सेटिंग्स। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके की सेटिंग्स हमें मिलती हैं, वो दोनों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे यूज़ की जाती हैं और क्यों मिलती हैं, ये भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको उस सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले आपको ऐप्स में जाना होगा जो सबसे कोने पर आपको दिखाई दे रही है, और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे आपको चले जाना है, और सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सेटिंग्स आपको दिखती है, तो एप्लीकेशन सेटिंग्स पर भी आपको चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर कॉल मिलती है आपको, तो कॉल को क्लिक कर देना है, और जैसे ही कॉल को क्लिक करें यहाँ पर आपको कॉल रिलेटेड पॉपअप्स मिल जाती हैं। तो तीसरे नंबर पर सेटिंग्स है तो इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देती है कॉल नोटिफिकेशंस पॉपअप, और यहाँ पर इनकमिंग कॉल आपकी आपकी डेस्कटॉप पर जो आपका इनकमिंग कॉल है वो ऑलरेडी ओपन स्क्रीन पर हो जाते हैं। तो आप इसको बंद करना चाहें तो अनटिक कर दीजिए, और चालू करना चाहें तो इसे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इन कॉल्स स्टेटस आप जो है यहाँ पर पॉपअप्स पर दिखाई देनी चाहिए, तो वो यहाँ पर भी आप नोट विजिबल पर लगा सकते हैं इसको बंद करके। तो ये प्रोसेस रहता है कॉल रिलेटेड पॉपअप सेटिंग्स का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।